अभी और हम से यार टॉयलेट में टॉयलेट में होना पड़ता है वो लॉक पास कान के देखो कैसे लग रहा है छोटा सा क्लासरूम लगा है। ठीक है, आज पसीना आ रहा है उसको क्या करना है, उसको किससे पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। ऐसे मम्मी खोले बाल डबल तोड़ सकती हूँ मैंने फर्स्ट टाइम इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी है सारी नहीं थी, मैं दिखा नहीं सकती। और आपको तो पता ही है कि मुझे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने हाई हील्स डाली है। और देखो काश आज का शूट हो जाए हमारा, कल तो हमारा हो गया था और अभी देखते हैं, अभी तो टाइम दिया गया है। और हम लोग अभी मेरी ड्रेस चेंज हुई है दोबारा, हाँ बोला था जीन डाल के आने के लिए। आप लोग पता है मैं पहले भी इस ड्रेस में शूट हो चुका है, पर क्या करें उनको अच्छी लगती है, क्या कर सकते हैं, जैसे ड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमें ड्रेस डालनी पड़ेगी। तो अभी आगे वेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे। बाय, अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या होने वाला है, अभी नहीं पता, अभी कोई आने वाला है जो भी हमें लेके जाएंगे आगे, वहाँ पे क्या क्या होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। हम हो चुके हैं लेट, हाँ हम एक गलत जगह पे बैठे हुए थे अभी तक हम लोग, अब हमें जाना है कहीं और, हमें हम जाना, और देखो चॉइस फॉर देखो ना ले लो यार। हमने सोचा कुछ खा ले, बट टाइम नहीं है, जब भी सूट के जाते हैं भूखे मरते हैं। तभी मैं सोचा हीरोइन वगैरह इतनी पतली कैसे हो जाती मेरी नहीं अभी भी फोन आ रहे हैं, लेट हो गए हैं हम, फोन आ रहा है नहीं नहीं अच्छा लोग कितनी टेंशन है, देखो देखो टेंशन कितनी है। इसके बाद एक 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 के बाद अगला हमारा है, अभी दो हैं पहुंच गए हैं। ये जो पीछे खड़े हैं ये देखिए, ये टीम मेंबर्स हैं, ये हमारे साथ जाएंगे अभी, हाँ कोऑर्डिनेटर वगैरह। और ये पहुंच गए फाइनली, बताओ तो आगे पता नहीं क्या होगा। हम जहाँ पे खड़े थे ना वहाँ से दो घंटा दूर था यहाँ कर, और हमें लगे वो ही पे है, देखते हैं आगे जाएंगे। भूख तो लग रही है, आपको पता है 2 बजे की टाइमिंग हमारी और सुबह की 9 बजे की, खाली खा तो ले मट्टे अभी बोल रहे हैं खड़े रहने। हम भूखे लोग, हमने भी जूस पिया और अभी भेलपूड़ी ले रहे हैं, कैश नहीं था ना तो कैश वो कर रहे हैं। और यहाँ पे रानी लक्ष्मी बाई, लीला एम्बियंस ग्रुप ग्रैंड। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जब हमारा होने वाला शूट, तो अभी आज हमारा शूट है नेहा कक्कर और हनी सिंह के साथ। यो हनी सिंह हम बहुत बड़े फैन है, अभी बाहर उनकी ना वैनिटी खड़ी थी, हाँ। हम सोचा यार देख खोल के देखते बट देख नहीं सकते थे, हाँ मेरा फेस कैसा आ रहा है यार कैमरे, लाइट है ना ऐसा, ठीक है ऐसे सही आ रहा है मेरा फेस। और बहुत अच्छा रूम है ये, वो है ना ऐसे पीछे पीछे दिखा सकते, वैसे मेन नहीं दिखा सकती, हाँ ये लोग बैठे हैं इधर पीछे लाइटिंग से पूरी, और डिस्को वाली फीलिंग आ रही है, सारी गर्ल्स हैं
तो शायद ही हम लोग भीड़ भाड़ में दिखे हैं, मुझे नहीं पता हम लोगों का। और सॉन्ग वगैरह होगा तो हमें तो पता होगा, नाम हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे हर किसी की एक झलक तो मिली जाए, झलक मिले। इसलिए हम लोग सही पता, हम लोग इसलिए ही आए हैं, हम लोग इतना स्ट्रगल हमने किया ही इसलिए है क्योंकि हमारा सिर्फ हर किसी के साथ है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं। और मैम भी हैं उसमें, यू कैन सी यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड और मज़े आ रहे हैं, फाड़ी हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लिरिक्स लिखे हुए हैं तो मुझे लगता है शायद हो सकता है गाने में, अगर होगा तो मैं डालूँगी। All is handy but liquor is thicker. Positive scandal you only live once. What time to be alive, see you on the other side. Love, love, oh, oh, love you too. So, so. देखो बैठे बैठे रैप बना दिया। Candy is handy but, sorry दोबारा से। Candy is handy but liquor is quicker. Positive scandal you only live once. What time to be alive, see you on the other side. Love you so, so. Others now is love and so. मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या है और कैसा है। चलिए ठीक है, एक ये देख सकते हैं सामने वैसे फ्रेंड है ये, और बाहर जा रही हूँ मैं, बाहर देखती हूँ क्या है क्या है क्या है। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, और इधर फॉरेनर्स खड़े हुए हैं, इनका शूट है सबका, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे। मीडियम नॉर्मल कार्टिन 4K गाइस शूटर, इनको देख रहे हो अलग ही कपड़े कपड़े बना रखे हैं ना, तो वो लोग सारे आ गए हैं जो फ्रंट पे दिखने वाले हैं, उन लोगों के ड्रेस से कुछ अलग है। सो मच ग्लिटर, ये लाइटनिंग चेक हो रही है, लाइटनिंग और जो स्मोक वगैरह करते हैं वो चेकिंग हो रही है अभी बैकग्राउंड में, मुझे लग नहीं रहा हाँ। पलट अरे ऐसा थोड़ी होता है, कोई देख लेगा नहीं तो फोटो खींचने आ जाएगा हाँ। और क्या हनी सिंह नहीं होगा क्या, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रही। देखो का इसका एकदम पिंक पिंक हो रहा है, हम सारी गर्ल्स यहीं पे हैं और वहाँ पे चेकिंग हो रही लाइट्स वगैरह की जो धुआं से छोड़ते हैं। यहाँ पे फुल सॉन्ग की शूटिंग हुई है, इतना मैं गारंटीड कह सकती हूँ क्योंकि जितने भी लोकेशन थी जितनी भी साइट्स हैं वो इतनी अच्छी तरीके से सजा रखी है ना। हाँ ये वैसे भी इतना डेकोरेट रहता है क्योंकि शूटिंग का काम ज़्यादातर यहाँ पे चलता है। हाँ लीला एम्बियंस हॉल, या वहाँ पे नूर गई है देखने के लिए कि मतलब सच में हो रहा है, हनी सिंह जी आ रहे हैं एंड हाँ बहुत, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या है मेरी बॉडी, मुझे बहुत ठंड लग रही है अभी। नूर इधर आओ, हेलो, मज़ा आया देख के? अरे कुछ नहीं दिख रहा आपकी शक्ल, अगर कुछ नहीं दिख रहा है स्नैक्स के लिए अभी इसके कुछ खाने की क्या चीज़ की है हमें नहीं पता, बस लाइन में लग गया। 9 बजे समोसा खा रहे हैं, हमें भूख लग रही बहुत बुरी वाली, कोई और ऑप्शन नहीं था। और अभी बोल रहे हैं कि 9 बजे डिनर स्टार्ट होगा बट और अभी 8:57 तीन मिनट में हो जाएगा, मतलब पता नहीं अभी मुझे नहीं पता बट मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी मिलने वाला है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो वैसे भी हर शूट व्लॉग में हम भूखे दिख रहे होते हैं, पिछला वाला उससे पिछला वाला और उससे पिछले से पिछला वाला, उन सब उसमें भूखे दिख रहे होते हैं। और मुझे तो आदत है 8 बजे मैं खाना खा लेती हूँ, और मुझे अभी इस टाइम ऐसे हालत, मुझे ना अपने पेट के रिगार्डिंग पता लग जाता है कि टाइम क्या हो रहा है, तो अब आप सोचिए मुझे अभी पता लग गया था जैसे 8:01 हुआ, वो भी नहीं कह रही भूख का टाइम हो गया, भूख लग रही है मेरे पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो गई है और मुझे पता लग गया कि ऐसा लग रहा है इंटरव्यू हो रहा है, मेरे पेट में गुड़गुड़ स्टार्ट हो गई। और हाँ मुझे पता लग जाता है कई बार क्या होता है कि मैं इतना बिजी होती हूँ मुझे नहीं पता लग पाता टाइमिंग क्या हो रहा है, या फिर देखने का नोटिस या फ़ोन में देखो या फिर ऐसे करके देखने का टाइम रहता, तो मुझे अपने पेट से पता लग गया था कि यार 8 बज चुका है, तो बस फिर अभी अब तो 9 बज चुका है और खाने का टाइम ओवर हो रहा है, शायद ही मैं खा पाऊँ कुछ, अगर कुछ मिला अभी तो सैलेड वगैरह होगा तो मैं खाऊंगी, बाकी देखते हैं। वहाँ पे मैं उस टाइम ऐसे नहीं किया था, मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो रहा था तो इसलिए मैंने नहीं किया था, और अभी
अभी मैंने न्यू फोन लिया है तो इसलिए मैं इसको जरूर डालने वाली हूँ। बस आप लोग वेट कीजिए। क्या मिला था वो? और हम लोग भी ऐसे लाइन में लगे हुए हैं और पता नहीं कब मिलेगा यार खाने का। और सबका मूड बहुत खराब हो रहा है क्योंकि नाइट का है तो फिर थोड़ा बहुत तो सारे लोग थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। गुस्सा नहीं आ रहा सीरियस में यार, मुझे तो बहुत आ रहा है क्योंकि मेरे सोने का टाइम है घर पे, वो काउंट हो रही है।